नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल लिप्टन स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों वापस एक स्टॉक है टाटा केमिकल करके, बहुत ही अच्छा स्टॉक है और उसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे चुका है। एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है प्राइस एक्शन का, वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, आपने पिछले कुछ महीनों से देखा रहेगा तो हर एक सेक्टर ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया मार्केट निफ्टी, उसकी वजह से आज देखोगे तो लगभग 22,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो हर एक सेक्टर का रोटेट होना इम्पोर्टेंट है, हर एक सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी को ऊपर लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया, बैंकिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, मेटल ने अच्छा परफॉर्म किया, फार्मा ने किया, ऑलमोस्ट सब सेक्टर्स ने किया। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि केमिकल सेक्टर जो है, केमिकल सेक्टर में अभी भी इतना अच्छा मोमेंटम नहीं आया है। तो केमिकल सेक्टर में डेफिनेटली एक मोमेंटम आने का एक जो चार्ट के हिसाब से दिख रहा है कुछ स्टॉक्स में, तो डेफिनेटली वो स्टॉक्स निफ्टी को और ऊपर लेके जा सकते हैं और वो सेक्टर में बहुत अच्छा एक जो हमारा टारगेट है वो टारगेट बन के आ सकता है। तो उस सेक्टर के स्टॉक्स को हमें देखना है। अभी टाटा केमिकल आपको सबको पता रहेगा, टाटा केमिकल बहुत ही अच्छा स्टॉक है, तो इसलिए हमने टाटा केमिकल को ही पिकअप किया है क्योंकि अच्छे स्टॉक्स में ही हमें बाइंग करनी है, क्योंकि हमें अच्छे रिटर्न्स और कम रिस्क रख के अच्छा टारगेट लेना है। तो यहाँ पे टाटा केमिकल का हम एनालिसिस करेंगे वन बाय वन क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में काम कर रहा है पिछले कुछ वीकली टाइम फ्रेम पे जाते पहले। यहाँ पे देखिए लगभग 2021 से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है टाटा केमिकल। ये देखिए एक बार आया वापस ही ट्रेंड लाइन के पास आया और इसको थर्ड टाइम यहीं पे सपोर्ट लेके अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया ऑलमोस्ट, और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है दो बार और ऑलमोस्ट इसने क्लोजिंग भी दे दिया है वीकली। तो यहाँ पे क्या व्यू बन के आ रहा है टाटा केमिकल का वो देख लेते हैं। हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो एक बहुत ही ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन बोलते हैं ना दोस्तों, उसको देखिए। यहाँ पे एक बार दो बार आया वापस तीन बार आया और ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था दो बार तीन बार चार बार और फाइनली इसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अच्छी हेल्दी कैंडल के साथ ग्रीन इसने ये प्रीवियस स्विंग हाई जोन था इसको भी ब्रेकआउट दे दिया और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया दोस्तों। यहाँ पे हमें अच्छा बहुत ही कन्फर्मेशन मिल चुका है, कन्फर्मेशन लेना है सिर्फ। उसके बाद इसने दो कैंडल को होल्ड किया, आज वापस से ग्रीन कैंडल बनाई, तो डेफिनेटली हमारी एंट्री दोस्तों यहाँ पे 1120 के ऊपर बनेगी। हमारा एसएल रहेगा 1180 के आसपास और टारगेट रहेगा दोस्तों 1250 के आसपास, मतलब हमारा टारगेट रहेगा 130 पॉइंट्स, एसएल रहेगा 40 पॉइंट्स ऑलमोस्ट और एंट्री लेवल रहेगी 1120 के आसपास। हमें सिर्फ क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर, जैसे क्लोजिंग मिलेगी दोस्तों हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे इस लेवल्स के साथ। मैंने यहाँ पे एसएल टारगेट और एंट्री पॉइंट दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे टाटा केमिकल एक अच्छा एक सेकंड, ये ऐसे ले इसको रेड करके देता हूँ आपको, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे टाटा केमिकल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है ऊपर जाता है वापस एक स्विंग लो बनाता है और वापस से हाई को काटता है, तो डेफिनेटली हम ये ट्रेड में बने रहेंगे। अगर ए पैटर्न के साथ अगर टाटा केमिकल ऊपर जाते हुए दिख रहा है तो डेफिनेटली दोस्तों हमारा ऐसे यहाँ पे हम शिफ्ट करते हुए ऊपर तक इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन हो चुका है। दूसरा जो हमारा एक ही इंडिकेटर यूज करते हैं दोस्तों ईएमए का, आप देख सकते हो यहाँ पे मूविंग एवरेज ने भी यहाँ पे क्रॉस ओवर दे चुका है, 1334 का रिटेस्ट किया उसके बाद ब्रेकआउट दिया विथ वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है पिछले 3 दिनों से। तो जैसे ही 1120 के ऊपर जाएगा हम टाटा केमिकल में एंट्री लेंगे, टारगेट आपको बोल दिया है उसी हिसाब से आपको ट्रेड में बने रहना है दोस्तों। स्टॉक अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, तो हमें क्या करना है सिर्फ हमारे लेवल्स प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करना है और ट्रेड में बने रहना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।